हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ लक्षद्वीप की जो क्रूज शिप की जर्नी थी वो शेयर की थी, बट हमने उसमें ये नहीं बताया था कि हम कौन से आइलैंड पे आए हैं। तो आज मैं बता दूं आपको कि हम आए हैं अगाती आइलैंड में, और हम पहुंच गए थे कल शाम को 5:30 के करीब। बट कल हमने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि कल काफ़ी थक गए थे, तो आके सीधा नहा धो के हम सो गए थे। तो फिर खाना वगैरह खाया हमने यहीं बाहर नज़दीक में, एक रेस्टोरेंट है, और जहाँ पे हम रुके हैं वो एक लॉज है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये लॉज है। गाइस, ये इसका एंट्रेंस गेट है, और यहाँ पे देखिए ये एक डाइनिंग टेबल और चेयर दे रखी है यहाँ पे, साथ में दो चेयर और हैं, और इसके साथ में है देखो टीवी भी है यहाँ पे, और इसके अंदर किचन, इस साइड में किचन है, और यहाँ पे बन रहा है हमारा सबसे आसान से बनने वाला खाना यानी कि मैगी। कि अभी सुबह का टाइम है तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो हम मैगी लेके आए थे तो वही बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये सारा किचन है, तो उन्होंने बोला कि आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे सारा सामान रखा है, बर्तन वगैरह सब है यहाँ पे। अब मैं आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ, ये है रूम, और यहाँ बाहर पे ना इसका नाम भी लिखा है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। इस साइड है रूम, और ये हमारी प्राशवी, प्राशवी यहाँ पे, प्राशवी हाय। ये एक बेड ये है, और साथ में ये दूसरा बेड है, ये देखो ये टेबल है जहाँ पे हमने सामान रखा हुआ है, ये एक कवर्ड भी दे रखा है, चेयर है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी साफ सुथरा है। सो गाइस, अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं किस साइड को निकलेंगे हम, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और पहले हम स्कूटी का जुगाड़ करेंगे कहीं से, फिर देखते हैं क्या बनता है, कहाँ हम निकलते हैं सबसे पहले, फिर आपके साथ मिलते हैं वहीं पे जहाँ हम जाएंगे। हमने स्कूटी ली थी 2 दिन के लिए, और इसका प्राइस था 150 पर डे, और यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है इसलिए हमने पेट्रोल भी उन्हीं से लिया जिनसे हमने स्कूटी ली थी। यहाँ पे पेट्रोल जो है वो मिलता है राशन की दुकानों में, जैसे हमारे यहाँ कैरोसिन जो है वो राशन की दुकानों में मिलता है, तो सेम यहाँ पे पेट्रोल जो है वो भी राशन की दुकानों में ही अवेलेबल होता है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो एक लिमिटेड स्टॉक में आती है, क्योंकि मेन लैंड से जाती है तो जाहिर सी बात है आईलैंड तक वो लिमिटेड स्टॉक में ही पहुँचेगी। अगाती का एरिया जस्ट 6 किलोमीटर है, यहाँ पे साइकिल से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट हमारे साथ प्राशवी थी इसलिए हमने स्कूटी को प्रेफर किया, और स्कूटी जो है वो हमने रेंट पे ली। गाइज, अभी हम पहुँच गए एंड्रयू बीच, और ये अगाती की वेस्टर्न जट्टी है। यहाँ पे भी वो शिप तो पता नहीं लगते हैं या नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारी बोट हैं जो बंगारम और फिशिंग के लिए यूज़ की जाती है। बंगारम दूसरा आइलैंड है, यहाँ से जो है बंगारम के लिए भी बोट जाती हैं। आगे लेके चलती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे टेंट भी हैं बैठने के लिए लगे हुए, और यहाँ की सैंड देखो आप, पूरी जो है वो वाइट सैंड है यहाँ पे। यहाँ के सारे बीचेस के पास जो है वाइट सैंड ही मिलेगी आपको। ये देखिए बहुत सारी बोट हैं यहाँ पे। ये है वो जट्टी। हम आ जाए हैं, कितना सुनु सुनु देख लूंगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितना अच्छा चल के आया मुन्नु। ये देखिए प्राशी यहाँ पे फिश को देख के खुश हो रही है, और यहाँ पे ना बहुत सारी बोट हैं जिनमें फिशिंग की जाती है, और ये देखो यहाँ पे ये बोट आ रही है। आएगी फिश देखना, अंकल लेके आएंगे। हाँ
और ये हमें ये भैया ने कोकोनट सबसे बेस्ट फ्लेवर अगाती का बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मीठा है ना गाइस। ये कोकोनट दिया हमें वो बोटिंग वाले भैया ने और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये कोकोनट वाटर, बहुत ज़्यादा मीठा है। यहाँ का जो फ्लेवर है कोकोनट वाटर का वो भी कुछ अलग है, कोची में इतना मीठा नहीं मिलता है, बट यहाँ का जो कोकोनट है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। कैसा है राशवि, कैसा है टेस्ट, कैसा है? यम्मी यम्मी है। सारा फिनिश कर दोगे आप? अगाती एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, इसको इंडिया का मालदीव भी कहा जा सकता है। एज अ टूरिस्ट हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के, बट अगर वहाँ पे फैसिलिटी की बात करूँ मैं तो वहाँ पे बहुत ही कम जो सुख सुविधाएं हैं वो हमें देखने को मिली, जैसे कि वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट उसकी कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है। एयरटेल का तो ना के बराबर सिग्नल था, बट BSNL का थोड़ा वो सिग्नल आ रहा था वहाँ। जो लोग वहाँ बचपन से रहते हैं उनके लिए तो वही उनकी छोटी सी दुनिया है, वही उनके लिए जन्नत है, बट हम जैसे लोग जिनको इतनी ज़्यादा सुख सुविधाओं की आदत है उनका वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमें ज़्यादा दिन वहाँ रहना पड़े तो हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो फ़ोन की इतनी ज़्यादा आदत है कि हम हर सेकेंड जो है अपना फ़ोन चेक करते हैं। गाइस वेस्टर्न जट्टी देखने के बाद हम आ गए हैं ईस्टर्न जट्टी पे, जहाँ से हम आए थे यहाँ पे शिप लगते हैं और ये कार्गो जट्टी है, यानी कि जो सामान है अगाती के लिए जो भी सामान आता है, राशन या जो भी हाउस होल्ड या जो भी इनका सामान है अगाती वालों का, वो यहीं से आता है, इसी जट्टी से आता है। तो वहीं पे जो ये जट्टी है यहाँ पे शिप लगते हैं और यहीं पे सामान उतारा जाता है, फिर यहाँ से ऑटो जो हैं वो सामान जो हैं वो अगाती आइलैंड की तरफ ले जाते हैं। और वो जो आपको सामने दिख रहा है वो भी जट्टी है, बट वहाँ पे जो है वो RO प्लांट है, वहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो बनता है और सारे अगाती आइलैंड में वहीं से वाटर जो है वो सप्लाई होता है। ये है शिप से जाने के लिए एंट्रेंस, शिप से उतर के यहीं से जो है वो अगाती आइलैंड में एंटर करते हैं। ये है वो ब्रिज, ये हमारी प्राची, प्राची प्राची को अंकल मिल गए, हम जा रहे हैं उन्हीं के साथ खेल रही है, हम जा रहे हैं क्योंकि उसको फिश देखनी है और वो भैया उसको फिश दिखा रहे हैं। ये आ गई, आ गई, आ गई, फिर प्रासू ने खिलाया बकरी को चारा। अगाती के लोगों की आजीविका का मेन साधन है कोकोनट फार्मिंग और फिश फार्मिंग, टूरिज्म भी कह सकते हैं, बट टूरिस्ट जो हैं वो एक सीज़न में ही आते हैं, जब सीज़न होता है तब काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बट बाकी टाइम अगर देखा जाए तो सिर्फ कोकोनट फार्मिंग और फिशिंग ही यहाँ की रोजी रोटी का मेन साधन है। यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्री थे वो कोकोनट के देखने को मिले हमें, और आप देख सकते हो कि अंकल ने कितने ज़्यादा कोकोनट जो है वो काट काट के ढेर लगा रखा था। तो हमने उनसे पूछा कि वो ये क्यों काट रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इनको जो है वो पहले सुखाया जाएगा काट के, उसके बाद जो है इनसे ऑयल निकाला जाता है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे कोकोनट काट के रखे हुए हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस तरह का जो कोकोनट होता है जिसके ऊपर से बड सा बना होगा उसके अंदर निकलता है कोकोनट एप्पल, और इसका जो टेस्ट था वो थोड़ा सॉल्टी था और काफ़ी अच्छा था खाने में। हमने भी फर्स्ट टाइम कोकोनट एप्पल देखा था वहाँ पे, और हमें जो है वो काट के भी दिखाया उन्होंने, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा भरा हुआ है कोकोनट एप्पल। कितना बंद है,
अगाती में एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि पूरी फैसिलिटी नहीं है, जिस वजह से अगाती के लोगों को कोची आना पड़ता है और वहीं पे उनको अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाना पड़ता है। गाइस, ईस्टर्न जट्टी देखने के बाद हम आ गए थे घर वापस। उसके बाद मैंने आके खाना बनाया, तो खाने में हम जो रेडी टू ईट होती है दाल वो लेके आए थे, दाल मखनी, और साथ में राइस बॉइल किए हैं, तो वो अब हो गए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, राइस और दाल हमारी तैयार हो गई। ये हमारी दाल, बस गर्म किया है इसको, गर्म पानी में डाला था पैकेट को ही, और ये बनके तैयार हो गई है। तो अभी हम बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के गरम गरम खाने का मजा लेंगे, फिर आपसे फिर से मिलेंगे। गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं लगून बीच में, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और यहाँ पे हम सनसेट देखेंगे, तो अभी आपको भी सनसेट दिखाएंगे। पहले हम आपको सारा बीच दिखाएंगे कैसा ये बीच है, और काफ़ी साफ़ सुथरे बीच हैं यहाँ पे, तो अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बीच पे आपको कुछ भी जो कचरा वगैरह नहीं मिलेगा पड़ा हुआ, तो बी केयरफुल गाइज। और यहाँ पे ये देखिए आप, ये होटल भी हैं, छोटे छोटे हट की तरह भी होटल हैं यहाँ पे, और ये सी व्यू के पास वाले होटल हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं बीच का मज़ा लेते हुए। अभी हम उस साइड चलेंगे बीच के पास। ये सड़ गया है, मैंने अगाती की बहुत सारी वीडियो देखी और उनमें मैक्सिमम लोगों ने ये बोला था कि एक दिन जो है वो सफिशिएंट है वहाँ घूमने के लिए, बट पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन सफिशिएंट था, क्योंकि अगर आपके साथ फैमिली है और ख़ासकर अगर आपके साथ बच्चे हैं तब तो आपको 2 दिन वहाँ पे चाहिए चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और 10:30-11 बजे के बाद जो है बाहर निकलना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 10:30-11 से लेके 4 बजे तक वहाँ बाहर आप निकल ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो धूप में तो जलने से अच्छा है कि आप वहाँ पर एक दिन और जो है वो रुक जाएँ और अच्छे से एक्सप्लोर करें, और बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए हमने 2 दिन प्लान किए थे हमने वहाँ रुकने के लिए और काफ़ी क्वालिटी टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया। गाइज, आज हमने कवर किए अगाती के ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साइड, कल हम जाएंगे साउथ साइड में, तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या है। और अभी हम घर पे वापस आ गए थे रूम में, और मैंने अभी बनाया है ये ब्रेड ऑमलेट, और प्राश्वी ने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया है। अब आपसे मिलेंगे हम कल मॉर्निंग में। ओके, गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज हमारा 3rd डे है अगाती में, और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट वाली साइड और वहाँ पे देखेंगे अगर हमें कुछ वाटर एक्टिविटी मिलेंगी तो हम वो भी करेंगे आज, और अभी आपको ले चलेंगे हम एयरपोर्ट की तरफ। गाइज, हम एयरपोर्ट वाली साइड जा रहे थे बट यहाँ पे हमें थोड़े रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए, और यहाँ पे देखो प्राश्वी कैसे मजे ले रही है। प्राश्वी, ये प्राश्वी पूरा मजा लेते हुए बीच का, मजा आ रहा है प्राश्वी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
गाइस यहाँ पे हम रुके हैं और यहाँ पे हम जाने वाले हैं ग्लास बोट में, और यहाँ पे बहुत सारी बोटें हैं। यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी होती है, बट स्कूबा डाइविंग तो हम नहीं करेंगे अभी, और मैं तो कभी पानी में जाती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं स्कूबा डाइविंग नहीं करूँगी। हम जाएंगे अभी ग्लास बोट में, वो वाली जो बोट है वो उसमें हम जाने वाले हैं अभी। वो भैया रेडी कर रहे हैं उस बोट को, और ये हमारी बोट आ गई है, अब जाएंगे हम इसके अंदर। और ये देखो इसका जो बॉटम है वो ग्लास वाला है। रेडी, क्या देख रहे हैं प्राशु? हम एयरपोर्ट वाली साइड जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में कुछ रिज़ोर्ट दिखे, और काफ़ी सुंदर रिज़ोर्ट थे, सारे सी साइड वाले रिज़ोर्ट थे वो। बट जब हमने उनका प्राइस पूछा तो उनका प्राइस जो था वो हमारे बजट से बिल्कुल बाहर था, और जितना हम अगाती में पूरा खर्च करके आए थे उतना प्राइस उनका एक दिन का था। वहाँ पे एक दिन का किराया 10,000 रुपये था, तो हमारे लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। तो हमने चुपचाप वहाँ से कल्टी मारी और हम चल पड़े फिर से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि एयरपोर्ट वाली साइड। लक्षद्वीप के एक ही आइलैंड में एयरपोर्ट है, और वो है सिर्फ अगाती आइलैंड में। यहाँ पे हर दिन एक फ्लाइट आती है और वही वापस रिटर्न में भी जाती है, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट है तो उसके अंदर तो जाना अलाउड होता नहीं है। तो हम उसके बाहर वाली साइड में गए थे, वहाँ पे एक बीच था, बट वहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम थोड़ी देर वहाँ रुके फिर वापस रिटर्न में आ गए थे। आइलैंड में इतनी ज़्यादा धूप थी कि 10-10:30 के बाद बाहर रुकना बहुत ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि बहुत गंदे तरीके वाला सनबर्न होता है, क्योंकि मुझे पहले हो चुका था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और हम जल्दी वहाँ से रिटर्न करके वापस रूम में आ गए थे। गाइज हम एयरपोर्ट देख के सीधा घर वापस आ गए थे, यानी कि रूम में वापस आ गए थे, और आज खाना हमने घर पे नहीं बनाया, हम बाहर से लेके आए थे, और 100 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं, मतलब 2 जन के लिए 100 रुपीज़ में काफ़ी सफिशेंट खाना है ये। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या दिया उन्होंने। इन्होंने दिए राइस, पापड़, और ये आई थिंक तोरन है, भिंडी की सब्जी, और पता नहीं किसके साथ बनाई है ये, कोकोनट के साथ होगी, साथ में फिश, और ये कद्दू की सब्जी है कोकोनट मिल्क में, साथ में ये मिक्स वेज है, ये रोटी है केरला परांठा, और ये अचार है, और ये है फिश करी, ये है फिश करी। तो ये सब उन्होंने 100 रुपीज़ में दिया है, तो अभी हम खाना खा लेते हैं। हाँ, और वो भी है साथ में, इसमें अभी ढंग से डाला नहीं है, सारा मैसी सा हो रखा है। तो अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं शाम को थोड़ा शॉपिंग के लिए जाएंगे, अगर बाहर कुछ मिला तो, अगाती का कुछ सोबिनियर मिला तो वो लेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे।
अगाती की मार्केट बहुत छोटी सी है तो हमें वहाँ कुछ खास मिला नहीं। फिर हम गए एक म्यूज़ियम में जिसका नाम था गोल्डन जुबली म्यूज़ियम। वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। लक्षद्वीप के सभी आइलैंड में मेजोरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम हैं और अगाती में 100% मुस्लिम हैं। बट 1960 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी रिसर्च और डिस्कवरी के टाइम बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसके आधार पे उन्होंने बताया कि इस्लाम धर्म होने से पहले आइलैंड पे जो है वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भी थे, जो कि लोग मेनलैंड से आए थे यानी कि केरला और मालाबार कोस्ट की साइड से। तो वो इनिशियली जो थे वो हिंदू और बौद्ध थे, बट बाद में उन्होंने अपना जो रिलीजन था वो चेंज किया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो अरब ट्रैवलर इब्ने बतूता थे उनके द्वारा इस्लामिक धर्म जो है वो आइलैंड पे लाया गया है। म्यूज़ियम के ग्राउंड फ्लोर पे तो हमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो देखने को मिली, बट जब हम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वहाँ पे हमें लक्षद्वीप का एक और आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड, उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें देखने को मिली। उनको वहाँ पे जो है संभाल के रखा हुआ है, जो पुरानी हिस्ट्री है मिनिकॉय की उसके रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें थी। यहाँ पे वो सामान रखा हुआ था जो राजा महाराजाओं के टाइम में यूज़ होता था, काफ़ी पुराना पुराना सामान था। आप भी देख सकते हैं कि कितना पुराना सामान था यहाँ पे, और यहाँ की कारीगरी देखो आप, कितना कारीगरी से काम किया होता था पहले। और ये जो ड्रेस है ये राजा रानी की ड्रेस है, तो साथ में पेंटिंग देखो आप, ये वहाँ के जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको भी दर्शाया गया है। और साथ में देखिए ये जो घड़ी है, ये ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों के टाइम की घड़ी है, मे बी उन्होंने गिफ्ट करी होगी। और ये जो आप बोट देख रहे हो ये है रेस बोट, जब मिनिकॉय में रेस होती है, बोट रेस होती है, तो इसको यूज़ किया जाता है। फिर शाम के टाइम हमारे पास टाइम था तो हम आ गए थे फिर से लगून बीच वाली साइड, हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। गो। अगाती में हमने बहुत ही खूबसूरत पल बिताए और उन पलों को आपके साथ भी शेयर किया। आई होप आपने भी इस वीडियो को उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना हमने इस ट्रिप को इन्जॉय किया। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।